हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज है 14.3 का, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखिए और समझिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इज रुपीज 13952। ये है सेल्स टैक्स के साथ कॉस्ट प्राइस, मतलब टैक्स के साथ जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो है ये वाली, ठीक है। मतलब लिस्टेड प्राइस नहीं है, जो लिस्ट लिखा हुआ होता है। पहले जो इससे पहले क्वेश्चन थे उसके अंदर आपने किया था कि लिस्टेड प्राइस आपको मिलता था, सेल टैक्स परसेंटेज मिलती थी, और फिर आप करते थे कि सेल टैक्स निकालते थे उतने परसेंटेज और फिर वो लिस्टेड प्राइस में जोड़ते थे। तो ये जुड़ा जुड़ाया है सेल टैक्स इसके साथ में, इंक्लूडिंग सेल टैक्स है, क्लियर है। इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज रुपीज परसेंटेज है 9% है, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अगर सेल टैक्स की परसेंटेज 9% है तो आपको रेफ्रिजरेटर की जो लिस्ट प्राइस है, जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, जो इसकी लिस्टेड प्राइस है, वो आपको गेट करना है, क्लियर हुआ। तो मतलब अब तक आपको मिलता था लिस्टेड प्राइस और सेल टैक्स परसेंटेज, फिर आप उससे सेल टैक्स निकालते थे और फिर लिस्टेड प्राइस में सेल टैक्स जोड़ करके आप टैक्स के साथ कस्टमर को कितने रुपये पे करने पड़ेंगे उस आइटम के लिए, कुछ सामान के लिए, तो वो आप निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपको सेल टैक्स के साथ टोटल जितनी प्राइस बनती है जो कि कस्टमर को पे करनी है वो दिया हुआ है, सेल टैक्स परसेंटेज मिली हुई है, और आपको लिस्टेड प्राइस निकालना है। तो इसको आप लेट करके करेंगे एक्स वेरिएबल के तरीके से, आप लेट करेंगे रेफ्रिजरेटर का लिस्टेड प्राइस एक्स है। आप इसको 100 के तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 मान करके हम लेट कर सकते हैं कि 100 रुपी रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है, फिर उसका उसकी जो मुकाबले में हम फिर निकाल सकते हैं इसकी रियल कॉस्ट, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। अगर टीचर कहे वेरिएबल के तरीके से करना है तो आप वेरिएबल के तरीके से कीजिए, और अगर आपको कहे कि भी किसी भी तरीके से कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 100 के तरीके से कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको करेंगे, पहले वेरिएबल के रूप में इसको करते हैं, लेट अस डू। तो हम लेट कर रहे हैं पहले एक्स, लेट द लिस्टेड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रुपी एक्स, ठीक है। सेल टैक्स जो परसेंटेज आपको मिला हुआ है वो है 9%, तो फिर सेल टैक्स निकालेंगे, सेल टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9% ऑफ एक्स, परसेंटेज हटेगा, डेनोमिनेटर में 100 आएगा, और फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, क्लियर है। परसेंटेज की जगह 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और एक्स की जगह एक्स है। ये हो गया सेल टैक्स इतने रुपए, 9x बाय में 100। अब प्राइस जो पे करना होगा कस्टमर को सेल टैक्स जोड़ करके, जो लिस्टेड प्राइस में सेल टैक्स को जोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे कस्टमर को वो लिस्ट प्राइस के अंदर हम ऐड कर देंगे, तो वो आएगी अमाउंट जो कि कस्टमर को पे करनी है, जो फ़िलहाल आपको दे रखी है ये वाली 13952। देन सीपी इंक्लूडिंग सेल टैक्स, ये हमें लिखना भी था, जो हमने लिखा नहीं वो यहाँ लिख देते हैं। सेल टैक्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज इक्वल टू रुपी 13952,
तो ये अमाउंट जो है इज इक्वल टू एक्स, जो कि लिस्ट प्राइस है, आप इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस प्लस में एस टी इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस एक्स है प्लस में 9x बाय में 100। अब x को आप लिख सकते हैं 100x बाय में 100 ताकि डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। ये हो गया। अब डेनोमिनेटर इन दोनों के बराबर हो गए तो हम ऊपर न्यूमिनेटर की एडिशन कर सकते हैं, 100x प्लस में 9x 109x। क्लियर हुआ ये? लेकिन हमें ये कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एसटी तो मिला हुआ है और ये एक्स के रूप में हो गया। इन दोनों को हम आमने सामने रख देंगे, बट वी हैव कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एसटी इज इक्वल टू दिस वन। तो ये चीज़ हम आमने सामने कर देते हैं, इज इक्वल टू, अभी ये रुपी का साइन हटा देते हैं ताकि बाद में इसको लिख लेंगे, 100 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 109 डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा इस प्रकार से। ज़्यादातर केसेस में ये जो नंबर है जो यहाँ पे ये मिला हुआ है ये पूरा मल्टीपल होता है इसका, और अगर नहीं तो पॉइंटों में ला करके आप उसको मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। एलिमेंट्स में कई ऐसे सम्स हैं जिसके अंदर पूरा होल नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो फिर आपको पॉइंटों में आंसर निकालना होगा। अभी इसको डिवाइड करके देखते हैं, 109 से ये डिवाइड होता है क्या, इसको डिवाइड करते हैं 13952 को 109 से, तो 109 बन जा 109, वन पे गया ये पहले, 9-9 0, 3-0 3, और फिर 5 ऊपर से उतार लिया 305। अब ये जाएगा 2 जा पर, 2-9 18, क्योंकि 3 पर करेंगे तो 327 आ रहा है, 2-9 18, 2-1 2, 15-8 7, और ये यहाँ से बोरो लिया ये 9 बच गया, 9-1 8, यहाँ 2 बचा, 2-2 0, ये 2 है यहाँ पे उतार लेंगे, 5 हमने उतार लिया था ये तो, और ये 2 जो है यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब ये गया 8 पर, 8 पर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 8-9 72, 8-1 8, 872 आ रहा है। क्लियर है? गुड। वन हंड्रेड ट्वेंटी एट पर पूरा कट गया ये, और यहाँ हमें मिलता है प्राइस रुपी 12800। ओके, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये तो था एक्स के तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को अगर 100 के तरीके से करते तो कैसे ये होता बिना एक्स के, तो वो चीज़ अभी हम करने वाले हैं। इसके बाद मैंने ये इसका एक असाइनमेंट भी बनाया है, हो सकता है उसमें कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या गलती है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो वो ज़रूर सम्स करने हैं ताकि आप उसको, आपके लिए इस टाइप के सम्स की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। अब हम इसको मान के चल रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी वैसी हो जाएगी, सेकंड टाइप कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स ये दिया हुआ है ₹13,952। लेट हम कर लेते हैं 100 रुपी, सेल टैक्स 9% है, सेल टैक्स
परसेंटेज थी वो, तो जो जरूरत होगी ले लेंगे, बची हुई छोड़ देंगे। 9% ऑफ एक्स, एक्स मतलब कि 100, जो हमने 100 लिया, एक्स नहीं लिया इस बार, तो एक्स की जगह 100 आ गया, 100 से 100 कट गया और आपको मिलता है यहाँ पर 9। डन। इसके बाद जो मार्क, जो हमें मिलना है कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, ये फार्मूला हुआ, यही का यही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लिस्ट प्राइस जो हमने लेट किया था 100, प्लस में सेल टैक्स जो हमने निकाला 9, ये हुआ 109 रुपी। डन। अब हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमें निकालना है सीपी। इफ लिस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, यही दिया हुआ था ना, लिस्टेड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये तो हमने क्या किया है, लेट किया है। सीपी इंक्लूडिंग सेल टैक्स ये हमें दिया हुआ है। इफ सीपी इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज 109 रुपी, देन लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा ₹100। क्लियर हुआ? अब यही स्टेटमेंट फिर से करेंगे। इफ सीपी इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज ₹1, अगर 1 रुपी है तो लिस्ट प्राइस हो जाएगा ये डिवाइड में, ये यूनिटरी मेथड करते हैं ना आप, वैसे ही ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड का निशान, ये हो गया। अब अगेन इसको लिखेंगे, अगर मान लिया सेल टैक्स इज ₹1 की बजाय, जो ये यहाँ पे दे रखा है 13952, ये अगर होता है तो फिर क्या होगा? यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, समझ में आया ना आपको? अगर सेल टैक्स इतना हुआ तो लिस्ट प्राइस होगा दिस मल्टीप्लाई में 13952। अब आ गया ना यही वाला जो हमने यहाँ पर किया है, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो मैं इसको अगर पहले लिख दूँ तब तो ये बड़ी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, समझ में आया आपको? गुड। अब यही चीज़ यहाँ पर मिल गई, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट में कितना आसान काम हो जाता है ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है। गुड। तो ये रहा आपका जो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, अगर ये हुआ तो लिस्ट प्राइस जो है ये हुआ, ये हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी हम लिख देंगे आंसर, जो कि हमारा निकला है 12,800 रुपी। तो अब आप बारी है कि आप देखें उसको, किसको, असाइनमेंट को, और ऐसे ही सम्स को अब आप इसको एंजॉय कीजिए, सम्स करके देखिए और आंसर मैच कीजिए, तो आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इस टाइप के, और भी जो भी इस टाइप के जो भी कोई सम्स होंगे, आपकी बुद्धि जो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा आप स्मार्ट हो जाएंगे और मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। यह है असाइनमेंट आपके लिए, जिसमें पहला केस स्कूटर ही लिया है और टोटल कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इज रुपीज़ 38,985। कहीं ऊपर वाले तो नहीं मिल गया? नहीं, इसके अंदर 13,952 था और यहाँ पे मैंने बदल दिया 38,985 रुपी। तो फिर, और जो जो सेल टैक्स है वो 13% रखा है। अब आपको निकालना है लिस्ट प्राइस, यहाँ आपको दे रखा है, लेकिन आप इसे निकाल करके ही चेक कीजिएगा ये आंसर आता है या नहीं। इसी तरीके से सेकंड केस मैंने लिया है फ़ैन का, जो कि इतने रुपये का है, हो सकता कोई स्पेशल कोई फ़ैन हो डेकोरेशन वाला, 36,380। और
नेक्स्ट जो केस है वो है इलेक्ट्रिक गीजर का, जो कि सेल टैक्स के साथ इसकी अमाउंट बनती है 28,808 रुपीज़ 30 पैसे, और फिर 11% 11% का इस पर सेल टैक्स है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट केस है टोस्टर का, जिसमें जो सेल टैक्स लगा करके अमाउंट जो कस्टमर को पे करनी है वो इतनी रुपये होती है 2,842 रुपये 80 पैसे, और 3% का इसके ऊपर सेल टैक्स है। और आपको इसका अब निकालना है लिस्ट प्राइस जो उस पर लिखा हुआ था, ये तो कस्टमर को पे करनी है, और लिस्ट प्राइस आपको अब निकालना है जिस पर कि टैक्स लगने के बाद कस्टमर को इतने रुपए पे करने होंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।